हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे थे, और प्लेस ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने सेक्शन 10, 11 और 12 पढ़ लिया था, जिसमें था प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सॉरी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर रिसिपियंट एंड सप्लायर बोथ आर इन इंडिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 13 ऑफ द IGST एक्ट, जहाँ पर हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर सप्लायर और रिसिपियंट इज आउटसाइड इंडिया. मतलब एक तो सप्लायर इंडिया इंडिया के बाहर है या रिसिपियंट इंडिया के बाहर है. यहाँ पे सप्लायर एंड रिसिपियंट दोनों इंडिया में है, तो उसका हमने सेक्शन 12 के अलग अलग जनरल रूल एंड स्पेसिफिक रूल्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए. तो मोडस ऑपरेंडी विल बी सेम. पहले हम जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उनको एक बार पढ़ लेंगे पूरे एक साथ में, देन इंडिविजुअल रूल एंड उसके कुछ क्वेश्चंस, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. आगे, सो वेयर सर्विसेज व्हेन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हेन गुड्स रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल बाय रिसिपियंट और रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रिसीवर और पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, ये एक सिचुएशन है. दूसरा, सर्विसेज अप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पे रिसिपियंट और सप्लायर दोनों इंडिया के बाहर है. जहाँ पे रिसिपियंट एंड सप्लायर इंडिया में ही है, उसके रूल हमने पहले ही पढ़ लिए. इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी इन इंडिया मे बी आउटसाइड इंडिया, अलग अलग सिचुएशंस में हमने प्रैक्टिकल्स और एग्जाम्पल्स के साथ हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख लिया है. देन सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट एक्सेट्रा एंड एनसिलरी सर्विसेज, जहाँ पे सप्लायर और रिसिपियंट इज आउटसाइड इंडिया. देन बैंकिंग सर्विसेज, रिलेशन टू अकाउंट होल्डर्स, इंटरमीजरी सर्विसेज, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स अप टू 1 मंथ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर. तो इसमें रूल क्या कहता है, पहला वाला वन बाय वन हम पढ़ेंगे. तो माय फर्स्ट रूल सेज, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हेन गुड्स रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल बाय रिसिपियंट और रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रिसीवर और पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ. प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म, जिस लोकेशन पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म होगी दैट लोकेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर सर्विसेज इंडिया में परफॉर्म हो रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया, इंडिया के बाहर हो रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आउटसाइड इंडिया. इसमें एक नोट भी आएगी जो हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तब पढ़ेंगे. देन सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, जहाँ पे सप्लायर या फिर रिसिपियंट आउटसाइड इंडिया है एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी और वेयर इट इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, मतलब जहाँ पर सप्लायर या फिर रिसिपियंट इंडिया के बाहर है. सेक्शन 13 में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, विल बी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि सिचुएटेड है और इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड. जहाँ पे सप्लायर एंड रिसिपियंट दोनों इंडिया में, इसमें हमने मल्टीपल चीज़ें पढ़ी थी, जहाँ पर प्रॉपर्टी का लोकेशन भी मैटर करता था, रिसिपियंट का रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है वो भी मैटर करता था, वो अलग अलग सिचुएशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली. सो माई फोकस इन दिस वीडियो विल बी ऑन सेक्शन 13 ओनली. आगे बढ़ते हुए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट एक्सेट्रा एंड एनसिलरी सर्विसेज वेयर सप्लायर और रिसिपियंट इज आउटसाइड इंडिया, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, यानी जहाँ पे सप्लायर या फिर रिसिपियंट इंडिया के बाहर है और ये वाली अगर सर्विस दे रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड. देन बैंकिंग सर्विसेज टू अकाउंट होल्डर्स एंड इंटरमीजरी सर्विसेज एक्सेट्रा वेयर सप्लायर और रिसिपियंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ द सप्लायर. आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर एक्सेट्रा, इसके अलावा अगर पूछे तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स, जहाँ पे गुड्स आर गोइंग टू बी डेस्टिन्ड दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए, देन हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13 जहाँ पर सप्लायर और रिसिपियंट इज आउटसाइड इंडिया, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और रूल्स पढ़ेंगे इसके. ठीक है.
आगे बढ़ते हुए, अब आगे हमें पढ़ना है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13 वेयर सप्लायर और रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। उसमें एक है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, दूसरा है सर्विस प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, तीसरा है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और ट्रैवल सिस्टम, एंड देन रेसिडुअल रूल, और आगे टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन और फॉर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई सर्विसेज और सर्कमस्टेंसेस। वन बाय वन करके आप पढ़ेंगे। सबसे पहले पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेयर्स फॉर द कंटिन्यूस जर्नी। वो जो कंटिन्यूस जर्नी के लिए जब आप स्टार्ट करोगे, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेयर्स, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेयर्स फॉर दैट जर्नी। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, हमने उधर भी पढ़ा था, सेक्शन 12 में भी पढ़ा था, 13 में भी सिमिलर रूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और ट्रैवल सर्विसेज। अब सबसे पहले सर, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और ट्रैवल सर्विस मतलब क्या, जैसे कि गूगल, गूगल पर आपको ऑनलाइन डेटाबेस या इंफॉर्मेशन मिलता है, और अगर वो पेड सर्विस है तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और ट्रैवल सर्विस बनेगी। मतलब जहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ डेटाबेस मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी या डेटाबेस का रिट्रैवल मिलेगा, उसके कुछ चार्जेस वगैरह, तो उस सर्विस की हम बात कर रहे हैं, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। और रेसिडुअल रूल मतलब अगर ये पुराने जो पिछले जो रूल्स हमने पढ़े हैं, अगर वो रूल्स अप्लीकेबल नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, इफ नॉट अवेलेबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस देन लोकेशन ऑफ द सप्लायर। मतलब पीछे जो अभी हमने ये सारे रूल पढ़े हैं, उन रूल्स में, उन स्पेसिफिक सिचुएशंस में अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो आप रेसिडुअल रूल लगाओगे, रेसिडुअल रूल में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, और अगर रिसिपिएंट का लोकेशन इज नॉट अवेलेबल देन लोकेशन ऑफ द सप्लायर, एंड एट द सेम टाइम टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन फॉर और फॉर द यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई द सर्कमस्टेंसेस एक्सेट्रा, जहाँ पे प्लेस ऑफ इफेक्ट यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। जहाँ जहाँ पर नोटिफाई किए हैं वो हम पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में करेंगे तो एग्जाम बेस हम फिर से देखेंगे। तो इंडिविजुअली भी वन बाय वन चलते हैं, सो लेट्स रीड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, और देन एक एक के हम लोग प्रैक्टिकल्स भी पढ़ते चलेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट वेयर सप्लायर और रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन गुड्स, नेचर ऑफ सर्विस, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स दैट आर मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रिसीवर टू द सर्विस प्रोवाइडर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सर्विस, द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेयर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन रिलेशन टू टेंजिबल गुड्स द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द गुड्स। मतलब कोई ऐसे गुड्स है जिनके लिए हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे फिजिकल अवेलेबिलिटी इज मैंडेटरी, फिजिकल होना जरूरी है, तो रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। जहाँ पर जब मान लेते हैं किसी गुड्स का रिपेयरिंग करना है, तो उनका रिपेयरिंग करने के लिए अगर हमारा फिजिकल अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर दे आर एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ पर एक्चुअल में उसका रिपेयरिंग होगा या एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और जहां पर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन रिलेशन टू टेंजिबल गुड्स, मतलब हम यहाँ बैठे हैं और किसी रिमोट लोकेशन पे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हमने किसी टेंजिबल गुड्स से रिलेटेड कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3G 4G 5G भी आ रहा है अभी, तो उसके हेल्प से अगर हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द गुड्स, जहां पर वो टेंजिबल गुड्स सिचुएटेड रहेंगे, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, आगे कहा है, ये वाला जो सेक्शन 13(3)(a) हमने पढ़ा, इज नॉट एप्लीकेबल कब, इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। जहां पर कहा, इफ गुड्स आर टू बी टेम्पररीली इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर रिपेयर्स ओनली एज अगेंस्ट रिपेयर्स एंड री एक्सपोर्टेड आफ्टर रिपेयर्स विदाउट बींग पुट टू यूज एनी अदर यूज इन इंडिया देन दैट विच इज रिक्वायर्ड फॉर सच रिपेयर्स। मतलब मान लेते हैं कि कोई गुड्स है जो हमने सेल किए यूएस में, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो रिपेयरिंग के लिए इंडिया में आए टेम्पररी, और हमने रिपेयर करके उसको वापस भेज दिया,
हमने रिपेयर करके उसको वापस भेजते हैं। इफ गुड्स आर टेम्पररीली इम्पोर्टेड इन टू इंडिया फॉर रिपेयर्स ओनली, गुड्स सिर्फ रिपेयर्स के लिए आए थे और हमने रिपेयर कर दिया और उसको यूज किए बगैर अगर वापस से भेज दिए तो फिर ये रूल अप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि अगर ये रूल लगाते थे तो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने इंडिया में किया, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो जाता। बट ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जहाँ पे फॉरेन कंट्री में कोई गुड्स होता है वो इंडिया में सिर्फ रिपेयरिंग के लिए आता है, क्योंकि इंडिया की सर्विसेज आर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू द अदर वर्ल्ड और हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्स भी टैलेंटेड अवेलेबल होता है। तो हमने इसका रिपेयरिंग करके इसको वापस भेज दिया जिस कंट्री से आया था उस कंट्री में। तो अगर गुड्स आर टेम्पररीली इम्पोर्टेड इन टू इंडिया फॉर रिपेयर्स ओनली फॉर रिपेयरिंग और मैंने उसको विदाउट बींग पुट टू यूज वापस भेज दिया तो उसमें ये रूल लगेगा नहीं, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई फॉरेन कंट्री माना जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इन्हीं चीजों को। तो हमने क्या कहा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेस वेयर सप्लायर और रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स दैट आर मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रिसीवर टू द सर्विस प्रोवाइडर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सर्विस देन लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। ठीक है, जहाँ पे फिजिकल अवेलेबिलिटी होना जरूरी है देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन रिलेशन टू टेंजिबल गुड्स, टेंजिबल गुड्स को अपन ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से सर्विस दिया देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द गुड्स, जो गुड्स का एक्चुअल लोकेशन रहेगा। अगर गुड्स इंडिया में रहेंगे तो इंडिया रहेगा, इंडिया के बाहर रहेंगे तो इंडिया का बाहर का लोकेशन रहेगा। और ये रूल अप्लीकेबल कब नहीं है, इफ द गुड्स आर टू बी टेम्पररीली इम्पोर्टेड इन टू इंडिया फॉर रिपेयर ओनली और रिपेयर होने के बाद में दे आर एक्सपोर्टेड विदाउट बींग यूज। ठीक है, तो गुड्स इंडिया में आए और इंडिया में आपने उसको विदाउट बींग पुट टू यूज इसको वापस से इंडिया के बाहर भेज दिया, वहां पर ये रूल अप्लीकेबल होते नहीं है। तो चलिए प्रैक्टिकल्स करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31, क्या कहा हमने, एबीसी फैब्रिकेटर्स हैज इट्स फैक्ट्री लोकेटेड इन गुजरात, इट हैज टेम्पररीली इम्पोर्टेड सर्टन गुड्स फ्रॉम इट्स कस्टमर लोकेटेड इन चाइना एंड री एक्सपोर्टेड देम टू चाइना आफ्टर कैरिंग आउट द नेसेसरी रिपेयर्स विदाउट पुटिंग देम टू यूज इन गुजरात। एग्जामाइन व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन द गिवन केस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए 31 का पार्ट वन। 31 का पार्ट बी, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द रिपेयर गुड्स आर री एक्सपोर्टेड आफ्टर बींग पुट टू यूज इन गुजरात फॉर सम टाइम। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। एबीसी फैब्रिकेटर्स has its factory located in Gujarat. It has temporarily imported certain goods from its customers located in China and re-exported them to China after carrying out necessary repairs without putting them in use in Gujarat. Examine what would be the place of supply of services in the given case. ये आपका पहला question है। और इसी part का दूसरा question क्या कहता है, will your answer be different if the repaired goods are re-exported after being put to use in Gujarat for some time? दो अलग अलग questions हमारे को दिए। तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है, गुड्स टेम्पररीली इम्पोर्ट हुए इंडिया में रिपेयरिंग के लिए और वो रिपेयर करके re-export हो गए without putting them to use in Gujarat, use किए बगैर आपने उसको re-export कर दिया, तो इस केस में place of supply क्या होगा। तो अगर गुड्स विदाउट बीइंग पुट टू यूज आपने री एक्सपोर्ट कर दिए देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी फॉरेन कंट्री, चाइना रहेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस का लोकेशन इज नॉट नेसेसरी हियर, तो पहले केस में इस केस में माय प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी चाइना, दैट इज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। दूसरे केस में जहां पर इसको यूज किया है, जहां पर आपने उसको पुट टू यूज किया है, सिंस आपने गुड्स को यूज किया है इसलिए place of supply will be the location where actual performance is done, that is Gujarat. Getting my point? मतलब इस question में क्या हुआ है समझिए, पहले हम गुजरात में काम कर रहे हैं, चाइना से एक मशीनरी या कुछ गुड्स इंडिया में आए, तो अब इसमें दो सिचुएशन, चाइना से वो गुड्स इंडिया में आए, मैंने रिपेयर किया और यूज किए बगैर चाइना को भेज दिया वापस, तो विदाउट बींग पुट टू यूज आए Sent them back to China. तो इस केस में place of supply will be China. ठीक है, दूसरा सिचुएशन, मैं गुजरात में बैठा हूं,
चाइना से गुड्स आए, मैंने रिपेयर किया, इंडिया में उसको गुजरात में यूज किया और फिर चाइना को भेजा, तो सिंस आई यूज देम द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो मेरा परफॉर्मेंस कहां पर मैंने किया था, गुजरात में किया था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात। तो देखिए क्या काम ने इन द गिवन केस, पहला सिचुएशन, सिंस द गुड्स हैव बीन टेम्पररीली इंपोर्टेड बाय एबीसी फैब्रिकेटर्स एंड हैव बीन री एक्सपोर्टेड आफ्टर द रिपेयर्स विदाउट बीइंग पुट टू एनी यूज इन गुजरात, place of supply of repair service carried out by ABC fabricators will be determined by normal rule. Consequently, the place of supply of service will be the location of the service receiver, that is China, in non-taxable territory. However, if repaired goods are re-exported after being put to use, the place of supply of service will be determined according to this specific rule jo hum padh rahe hain abhi. If the use to which such goods are put to is not required for such repairs, therefore, in such a case, the place of supply of service will be the location where the service is actually performed, which is in the given case is Gujarat. यहाँ पे place of supply क्या रहेगा? Gujarat रहेगा. Getting my point? मतलब मैंने चाइना से इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट किया, मतलब इंडिया में आए रिपेयरिंग के लिए, रिपेयर करने के बाद विदाउट यूजिंग मैंने भेज दिए, तो place of supply is China. और रिपेयर करने के बाद में मैंने कुछ और पर्पज के लिए इंडिया में यूज किए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात, जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस किया, दैट इज इंडिया। एक बार आप लोग इसको रीड कर लीजिए, फिर हम अगले प्रोविजन की तरफ पढ़ेंगे। चलिए अगला रूल क्या कहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पढ़ रहे हैं सेक्शन 13 में, वेयर सप्लायर और रिसिपियंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन गुड्स, नेचर ऑफ सर्विस, सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड इधर एज सर्विस रिसीवर और अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिसीवर विच रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रिसिपियंट और द पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ विद द सप्लायर फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, वेन इट इज रिक्वायर्ड दैट फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, सो अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जिस लोकेशन पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की जाएगी, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 32 दिया आपको, रीड करते हैं हम लोग। A famous actress went to London and availed cosmetic or plastic surgery services in her nose. Find out the place of supply of service whether GST is liable to pay. A famous actor London में गई, तो recipient to India की है, लेकिन London में जो plastic surgery करेगा वो तो India के बाहर है, तो supplier is outside India, और यहाँ पे physical presence होना mandatory है, तो place of supply क्या रहेगा? London. ठीक है, तो देखिए हम एक बार फिर से question पढ़ते हैं। A famous actress went to London and availed cosmetic or plastic surgery services for her nose. Find the place of supply of services and whether GST is to be paid. So place of supply kya rahega? London. That is non-taxable territory. Since it is a non-taxable territory, GST is not liable to be paid. Ab London wale supplier ko, London wala jo hospital hoga, usko thodi hum ye bolenge ki bhi GST charge karo. Wahan pe to London ka law lagega. तो लंडन का जो टैक्सेशन लॉ रहेगा अकॉर्डिंगली जो भी रूल होगा वो अप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पर क्या था, ये लंडन गई, लंडन ने प्लास्टिक सर्जरी किया, तो फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी, तो प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई लंडन, दैट इज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एंड जीएसटी इज नॉट लायबल टू बी पेड ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। आगे अगला देखते हैं हम लोग, तो क्या कहा आपको, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ पे सप्लायर और रिसिपियंट इज आउटसाइड इंडिया, लीज और राइट टू यूज, ऑक्यूपेशन, एंजॉयमेंट और प्रोविजन ऑफ होटल अकोमोडेशन बाय अ होटल, गेस्ट हाउस और क्लब, कंस्ट्रक्शन सर्विस, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट एजेंट्स की सर्विस, ऑक्शनियर एक्सेट्रा की सर्विस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी
located, यानी जहां पर supplier या recipient outside India है and services are in relation to immovable property, तो place of supply क्या होगा, where immovable property is located or intended to be located, ये rule आपको apply करना पड़ेगा। तो चलिए question 33 देखते हैं। सर ये सारी provisions तो one liner है, yes definitely these provisions are one liner, आप एक बार read करोगे समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है ना, बट जब सारी provisions एक साथ में आप पढ़ोगे, मतलब 12, 13, 10, 11, 12, 13 सारे sections को अगर आप एक साथ में पढ़ोगे, तो अगर कहीं पर कुछ मल्टीपल रूल्स होने की वजह से अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 33 क्या कहता है मुझे, मिसेस नीलम गोयल एंड इंटीरियर डिजाइनर बेस्ड इन दिल्ली प्रोवाइड्स हर सर्विसेज टू एन इंडियन होटल चेन विच हैज बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई फॉर न्यूली अक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन लंडन फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी। आप इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, पहला आपको यह ध्यान में आना चाहिए कि सेक्शन 13 एप्लीकेबल है या नहीं। तो क्या कहा देखिए, मिसेस नीलम गोयल एंड इंटीरियर डिजाइनर बेस्ड इन दिल्ली, तो ये दिल्ली की है, प्रोवाइड्स हर सर्विसेज टू एन इंडियन होटल चेन विच हैज बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई। ठीक है, अब बताइए मुझे क्या होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, सप्लायर इंडिया में, एक इंडिया के बाहर है, सप्लायर इज इन इंडिया, राइट ना, नीलम गोयल दिल्ली की है, रिसिपिएंट, अब बताइए रिसिपिएंट इंडिया में, एक इंडिया के बाहर है, होटल चेन का बिजनेस कहां पर है, मुंबई में, तो रिसिपिएंट भी इंडिया में। नाउ सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, सेक्शन 13 तो अप्लीकेबल होना नहीं चाहिए, सेक्शन 12 अपना अप्लीकेबल होना चाहिए जहां पे सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया एंड दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी विच इज लोकेटेड इन लंडन। तो जहां पर सर्विसेज आर इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी का लोकेशन अगर इंडिया के बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, और रिसिपिएंट का लोकेशन क्या है, यहां पर मुंबई में है, तो यहां पर सेक्शन 12 विल बी अप्लीकेबल, सेक्शन 13 अप्लीकेबल होने वाला नहीं है, 13 विल नॉट बी अप्लीकेबल, 12 लेंगे हम। तो एज पर सेक्शन 12 लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई होगा, एंड हेंस आईजीएसटी विल बी अप्लीकेबल, क्योंकि ये दिल्ली वाली सप्लायर कहा कि दिल्ली की। देखिए आप पढ़ रहे हो सेक्शन 13 और मैंने जानबूझ के सेक्शन 12 का क्वेश्चन बीच में डाल दिया, व्हाई, टू लेट यू अंडरस्टैंड कि हमें सप्लायर कहाँ का है और रिसिपिएंट कहाँ का, ये भी देखना जरूरी है। अगर सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो 12 लगा देने का, जहां पे सप्लायर या रिसिपिएंट दोनों में से एटलीस्ट एक पर्सन इंडिया के बाहर है तो फिर 13 लगाने का। सो यू शुड बी अ बिट क्लियर ऑन दिस पार्ट। आगे हम सेक्शन 13 में कंटिन्यूएशन कर रहे हैं हमारा, हमने कहा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेस सेक्शन 13 ऑफ द आईजीएसटी वेयर सप्लायर और रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, जहां पे सप्लायर या फिर रिसिपिएंट दोनों में से एक पर्सन आउटसाइड इंडिया में है। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग साइंटिफिक एजुकेशनल एंटरटेनमेंट सेलिब्रेशन कॉन्फ्रेंस फेयर एक्सेट्रा इवेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम ऐसी सिचुएशंस पढ़ रहे हैं जहाँ पे सप्लायर या फिर रिसिपिएंट, इधर सप्लायर और रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया और ये वाले कुछ इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहाँ पर इवेंट एक्चुअली होगा दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्वेश्चन 34, मिस्टर कपिल शर्मा जलंधर बेस्ड कॉमेडियन होस्टेड अ कॉमेडी शो एट सिंगापुर विद द हेल्प ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइजर लोकेटेड इन दुबई। अब यहां पर क्या होगा देखिए, यहां पे सप्लायर कौन है, कपिल शर्मा, ठीक है, और ऑर्गेनाइजर लोकेटेड इन दुबई, राइट, तो कपिल शर्मा एक पर्सन है, एक ऑर्गेनाइजर पर्सन है,
ये जालंधर इंडिया में है और ये दुबई में है, तो कोई एक पर्सन इंडिया के बाहर है, सेक्शन 13 विल बी एप्लीकेबल, राइट। सो इवेंट में क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। अब यहां पर देखिए इवेंट कहां पर हुआ है, मिस्टर कपिल शर्मा अ जालंधर बेस्ड कॉमेडियन होस्टेड अ कॉमेडी शो एट सिंगापुर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, सिंगापुर, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सिंगापुर, दैट इज आउटसाइड इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पर है और रिसिपिएंट कहां पर है देखना जरूरी है। एक तो सप्लायर इंडिया के बाहर चाहिए या फिर रिसिपिएंट इंडिया के बाहर चाहिए, दोनों में से कोई एक पर्सन तो इंडिया के बाहर होना ही चाहिए। अगर दोनों के दोनों इंडिया में है तो 13 नहीं लगाने का, तो 12 लगाने का। चलिए आगे, अभी कुछ सिचुएशंस। सर्विसेज सप्लाइड फ्रॉम मोर देन वन लोकेशन, आप एक लोकेशन से ज्यादा लोकेशन से सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो। वेयर एनी सर्विस इज प्रोवाइडेड एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग अ लोकेशन ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी, इट्स प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। गेटिंग माय पॉइंट? जहां पर ये वाली सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम मोर देन वन लोकेशन एंड इंक्लूडिंग अ लोकेशन, कोई एक लोकेशन है जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो इट्स प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ इन द टैक्सेबल टेरिटरी। जैसे यहां पर देखिए ये एग्जाम्पल में मेसर्स एक्स लिमिटेड ऑफ चेन्नई एंड मेसर्स ए आई एन सी ऑफ यूएसए, तो ये चेन्नई वाली फर्म यूएसए वाले फर्म को प्रोवाइडिंग टेक्निकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज फॉर न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट। चेन्नई में 20% है, कोचिन में 25% है, कोलंबो में 25%, कोलंबो में 55% है, तो कोई एक लोकेशन इज इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, और जहां पे सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन मोर देन वन स्टेट, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल बेसिस पर बाइफरकेट कर लेते हैं। मतलब कोई अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर मान लेते हैं कि हम इंडिया के, ठीक है, और हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला फॉर एंटायर एशिया, तो हमने कुछ सर्विस श्रीलंका में दिया, हमने कुछ सर्विस चाइना में दिया, एंड सम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर एग्जांपल इन मुंबई, हम इंडिया से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, तो सेक्शन 13 बीच में आ जाएगा। नाउ वेयर मोर देन वन लोकेशन इन्वॉल्व इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अब यहाँ पे श्रीलंका इज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, चाइना इज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, बट मुंबई इज अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो ये पूरे ट्रांजैक्शन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई होगा। और जहां पे मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए तो आप उसको प्रोपोर्शनेट करो। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए क्या कहा, मिस्टर हर्षा अ इवेंट ऑर्गेनाइजर लोकेटेड इन मलेशिया, मलेशिया में ही अंडरटेकन टू ऑर्गेनाइज कॉमेडी शो ऑफ मिस्टर भ्रामी ऑफ हैदराबाद एंड मिस्टर वदिवेलु इन चेन्नई इन इंडिया। The comedy shows are hosted in Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Pondicherry. Gross value दिया है 60 करोड़। Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Pondicherry में number of days दे दिया और recipient कोई कौन है वो भी दे दिया। Find the place of supply of service, value of service and person liable to pay tax. अब आपको पता है यहाँ पर proportionate कैसे करते हैं, individual breakup तो available नहीं है, number of days available है, तो हम लोग क्या कहेंगे, gross value कितना है 60 करोड़, टोटल डेज कितने हैं 50, तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 60 डिवाइड बाय 50 इंटू 20 डेज, क्योंकि यहाँ पे 20 डेज है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 60 डिवाइड बाय 50 इंटू 15 डेज, क्योंकि इसके 15 डेज है, इसके 14 डेज है, तो 60 डिवाइड बाय 50 इंटू 14 डेज, और इसका एक दिन है, तो 60 डिवाइड बाय 50 इंटू 1 डे, अकॉर्डिंगली आपका वैल्यू निकल जाएगा। और जो तेलंगाना में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई तेलंगाना आएगा, जो आंध्र प्रदेश में उसका आंध्र प्रदेश, जो तमिलनाडु में उसका तमिलनाडु, और जो पांडिचेरी में उसका पांडिचेरी आएगा। तो कैसे होगा, क्वेश्चन 35 में देखिए, सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जो तेलंगाना में उसका तेलंगाना, वैल्यू आया 24, कैसे निकाला हमने देखिए, तो 60 करोड़ का था तो 60 डिवाइड बाय टोटल 50 डेज थे तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 20 डेज इसके थे, तेलंगाना के 20 डेज थे तो इंटू 20 किया, तो देखिए 24 आ गया, तो इसका हो गया वैल्यू 24। एंड हू इज लायबल टू पे जीएसटी, मिस्टर हर्षा, और आईजीएसटी लगेगा। देन आंध्र प्रदेश 60 डिवाइड बाय 50 इंटू 15 दिन है आंध्र प्रदेश में, तो इंटू 15
तो कितना आ रहा है 18, तो यहाँ पर 18 आ गया, इसका आंध्र प्रदेश आ गया। सिमिलरली तमिलनाडु का 16.80, पांडिचेरी का 1.20, ऐसे टोटल आपका 60 हो गया प्लेस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। और हर ट्रांजेक्शन पे क्या लगेगा, आईजीएस लगेगा, क्योंकि हर्षा जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो कहाँ का है, मलेशिया, राइट। और जीएसटी कौन पे करेगा, सप्लायर हर्षा है तो हर्षा ही जीएसटी पे करेगा। गेटिंग माय पॉइंट, आप चाहिए तो इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, हाँ समय अगर कम पड़ता है तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हो। चलिए हम बढ़ते आगे, सॉरी, चलो लेट अस प्रोसीड। अगला है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे रहेगा लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल और एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर्स, इंटरमीडियरी सर्विसेज, सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन एयरक्राफ्ट वेसल एक्सेप्ट याच अप टू पीरियड ऑफ वन मंथ, क्या पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एग्जांपल, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी इन द फॉलोइंग केसेस, वेदर द रिप्रेजेंटेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई टू अ फॉरेन मनी ट्रांसफर सर्विस ऑपरेटर इन रिलेशन टू मनी ट्रांसफर to beneficiary in India falls in the category of intermediary services. दूसरा, whether GST is levyable on the services provided as mentioned in one above as an intermediary agent located in taxable territory. सोचिए क्या होगा, क्या हुआ यहाँ पे देखिए, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई ब्रांच, तो ये इंडिया में है, और फॉरेन मनी ट्रांसफर सर्विस ऑपरेटर को हमने सर्विस प्रोवाइड किया इन रिलेशन टू द बेनिफिशियरीज इन इंडिया। तो पहली बात, तो ये इंटरमीडियरी सर्विस है क्या, तो यस इट इज इंटरमीडियरी सर्विस। एंड जीएसटी आएगा क्या, यस आएगा। व्हाई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, बराबर है। ये बैंकिंग कंपनी इंटरमीडियरी सर्विस वगैरह के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। और हमारे केस में हमारा ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये चेन्नई में लोकेटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, चेन्नई। चेन्नई है तो इंडिया टैक्सेबल टेरिटरी है तो जीएसटी आएगा। यहाँ पे यस गिवन सर्विसेज फॉर इन द इंटरमीडियरी सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस दैट इज चेन्नई, एंड हेंस जीएसटी इज लायबल टू बी पेड। हुआ क्या है, हमारी चेन्नई ब्रांच ने फॉरेन के एक पर्सन को चेन्नई में मनी ट्रांसफर ऑपरेटर की सर्विसेज दी, तो आपने चेन्नई में सर्विस दिया, भले ही आपका रिसिपिएंट फॉरेन है, सेक्शन 13 अगर हम अप्लाई करेंगे तो जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है That will be place of supply and accordingly हमारा place of supply क्या आएगा, location of supply जो कि चेन्नई, तो चेन्नई place of supply है और GST will be applicable, ठीक है। आगे place of provision of service of transportation of goods other than by way of mail or courier, तो place of supply क्या रहेगा, destination of such goods, transportation services provide करें where supplier or recipient दोनों में से एक पर्सन इंडिया के बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर गुड्स आर डेस्टिन, जहां पर आप गुड्स भेज रहे हो दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे यहां पर अ वेसल भीष्मा सेलिंग फ्रॉम यूएसए टू ऑस्ट्रेलिया वाया इंडिया कैरियज वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल गुड्स नेमली ए बी सी एंड डी, ए एंड बी आर डेस्टिन टू मुंबई पोर्ट on account of submission of bill of transshipment, product A transshipped to Chennai port as ultimate destination in India and product B transshipped to Sri Lanka. Find the place of supply of services and a person liable to pay GST.
आप लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, फिर हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। अल्टीमेट डेस्टिनेशन आपको देखने का इसका क्या है? क्या कहा है देखिए, वेसल भीष्मा सेलिंग फ्रॉम यूएसए टू ऑस्ट्रेलिया वाया इंडिया कैरीज वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल गुड्स नेमली ए बी सी एंड डी। ए एंड बी आर डेस्टिन्ड टू मुंबई पोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। प्रोडक्ट ए ट्रांसशिप टू चेन्नई, चेन्नई को भेज दिया फॉर इट्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन इंडिया। एंड प्रोडक्ट बी ट्रांसशिप टू श्रीलंका। फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड पर्सन लायबल टू पे जीएसटी। तो इसमें मुझे ए एंड बी का सोचना है पहले, ठीक है? तो ए मुंबई आया, मुंबई पोर्ट, बट इसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या था? चेन्नई। और प्रोडक्ट पी को हमने कहा किया ट्रांसशिप कहां पे किया? श्रीलंका। पूछा है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो पहले का तो प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई आएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स and person liable to be GST is the importer. In the given case, place of supply will be Chennai. That is product A, ultimate destination in India. Person liable to be GST is importer on the ocean freight. जो श्रीलंका में जा रहा है उसका तो मुझे कुछ लेने का लेना देना ही नहीं है। और ये बचे हुए जो है सी एंड डी, इसका तो मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हो सकते हैं वो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। मतलब गुड्स के केस में मैं क्या देखता हूँ, गुड्स का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है। इन ए बी सी डी ये चार जो गुड्स आ रहे हैं यहाँ पे, इन चार में से सिर्फ ए एक ऐसा गुड्स है जो चेन्नई में यानी इंडिया में आया, तो इसके लिए ही प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? चेन्नई इंडिया होगा। और जो इंपोर्टर रहेगा वो उसके ऊपर जीएसटी भरेगा। हम लोग टुवर्ड्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड, ठीक है? अभी एक या दो स्लाइड्स में ये सेशन खत्म होना चाहिए हमारा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेस सेक्शन 13 पढ़ रहे हैं, वेयर सप्लायर और रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज इक्वल टू वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी। जहां पर पैसेंजर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे न्यू दिल्ली से लंदन जा रहे हो फिर न्यूयॉर्क जा रहे हो, अगर आपने न्यू दिल्ली से शुरुआत किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी न्यू दिल्ली वेयर एम्बार्क्स। तो पैसेंजर एम्बार्क्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी न्यू दिल्ली, हेंस टैक्स। सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड कन्वेंस, कन्वेंस के ऊपर सर्विस प्रोवाइड किया। तो एनी सर्विस प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस दैट इज एयरक्राफ्ट वेसल रेल एक्सेट्रा विल बी कवर्ड हियर। दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। तो एक बार फिर से, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज इक्वल टू वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूस जर्नी। जैसे यहाँ पे न्यू दिल्ली से शुरू किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज न्यू दिल्ली। देन आगे, वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। लास्ट पॉइंट पर आए हम, प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और ट्रेवल सर्विसेस, ठीक है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड ट्रेवल सर्विसेज, जिसको OIDR सर्विस भी कहते हैं, यानी कि जो आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो, जो गूगल से जो पेड डॉक्यूमेंट एंड ट्रेवल की सर्विसेज मिलती है, या जो पेड वेबसाइट्स होती है जो आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज की या बाकी की दूसरी इन्फॉर्मेशन देती है जो उनकी डेटाबेस में फीड होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होती है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। जो सर्विस का रिसिपिएंट रहेगा हिज लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर ये वाले स्लाइड पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए। एंड वंस यू आर डन विद दिस, तो हमारा ये प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके आगे की ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये फॉर योर जनरल पर्पस, फॉर योर नॉलेज पर्पस हमने दी है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए आपको चाहिए तो, ठीक है?
ए से लेके जी तक इंफॉर्मेशन ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पज है, पढ़ना है और जितना हो सके उतना नॉलेज रखना है अपने पास, ज्यादा दिमाग लगाकर या ज्यादा टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है इसको। जो मेजर हमारी सारी प्लेस ऑफ सप्लाई के जो भी रूल्स थे या जो भी सिचुएशंस थे उसके जो भी एग्जांपल्स थे हमने वो पढ़ लिए। सो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर खत्म होता है। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आपको बता दूँ कि नोट्स के अंदर सारी प्रोविजंस भी दी है, कुछ पिक्टोग्राफिक प्रेजेंटेशन भी देने की हमने कोशिश की है और कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। नोट्स में के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर नहीं किए, बट जो तरीके के क्वेश्चंस हमने किए सिमिलर लाइंस पर ही क्वेश्चन आपके नोट्स में भी है, जिसका आंसर वन लाइनर में आएगा। अब आपको पता है आपको आंसर कैसे लिखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वो लिखने का है, और अगर वो जीएसटी पूछेगा तो इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड मान के जीएसटी का अमाउंट भी लिखने का है। सो आई एंड दिस वीडियो हियर, अगले वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू।